हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत क्यूट ड्राइंग बनाने वाले हैं और आपको सिक्स लाइंस ऐसी तरह से ऐसे ड्रॉ करनी है और ये वाला बीच वाला पार्ट इरेज करके कुछ इस तरह का शेप देना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इसी से जॉइंट ऐसे टू लाइन और फिर उसके नीचे टू लाइंस और जो ऊपर वाली लाइन है ना उसके उधर आपको ऐसे कर्व लाइन ड्रॉ करनी है और उधर आपको ऐसे करते हुए शेप देना है आइस का और उसी के ऊपर जस्ट आपको आईब्रो भी बनाना है। उसके बीच में से पार्ट इरेज करते हुए आपको उधर सर्कल के अंदर सर्कल बनाना है और अब इसके बीच में आई वाली लाइन है उधर आपको नोज़ बनानी है, इसकी इस तरह शेप देना है और ये जो आईज़ वाले के उधर आपको मेजरमेंट की लाइंस दिख रही है उसे इरेज कर देनी है। अब इसके आईज़ के नीचे आपको ऐसा शेप देना है और एक कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए उसे कर देना है इधर की साइड नीचे एक लाइन और अब इसके लिप्स बनाने के लिए आपको ऐसे शेप देना है और नोज़ के ऊपर आपको ऐसे टू कर्व लाइन ऐसे जॉइंट कर और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसे इरेज कर देना है। और अभी मैं इसका फेस सीन बनाता तो हमने इरेज करके इसको वापिस बना रहे हैं तो आपको ऐसा शेप देना है और आपको सिक्स लाइंस इस साइड में रख कर ड्रॉ करनी है लेफ्ट साइड ताकि हम इसके फिंगर्स बना सकें। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि हम केवल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो उससे पता पड़ेगा हमें कि कहाँ कौन सी फिंगर बनानी है, बट आपको मिरर या फिर फेस का पार्ट थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा फिंगर बनाने के लिए। और अब देखिए फर्स्ट वाली फिंगर हमने इस तरह से बना दी और सेकंड वाली फिंगर बनाने के लिए हमें ऐसे ऊपर करना है और अब हमें मिरर का थोड़ा सा पार्ट इरेज करना है और फिर एक लाइन नीचे से लाते हुए उसे ऊपर वाली लाइन से ज्वाइन कर देना है तो ये सेकंड फिंगर भी रेडी है। ऐसे करते हुए आपको थर्ड फिंगर की भी एक लाइन लानी है और उसका पार्ट मिरर का इरेज कर देना है और फिर थर्ड फिंगर बनानी है और आपको ना हाथों हाथ मिरर की भी लाइन बनाते जानी है ताकि आपको ध्यान रहे कि हमारे इधर ऐसा पार्ट था मिरर का। और अब हम फोर्थ लाइन फोर्थ फिंगर बनाने के लिए भी इसे ऐसा दे देंगे और इस तरह से फिंगर बना देंगे फोर्थ वाली और मिरर का शेप दे देंगे वापस। और अब उधर उस मिरर के पार्ट के उधर आपको ऐसे करना है और अब थोड़ा सा इरेज करते हुए वापस ऐसे बनाना है और एक लाइन लाते हुए नीचे एंड कर देना है और वापस एक बार इरेज स्ट्रेट करेंगे हम उधर से और इसको नीचे और फिर इधर से भी एक और लाइन लाएंगे और नीचे एंड कर देंगे। देन जो थंब हमारा है उधर हम नेल बनाएंगे। सो नेल बनाने के बाद अगर आपको कोई भी फिंगर या फिर मिरर का पार्ट दिख रहा है नेल के अंदर तो आप उसे इरेज कर देंगे और ऐसे ही सारे फिंगर्स के अंदर हम नेल बना देंगे। और जो फर्स्ट वाली फिंगर है उसका उधर हम ऐसे नेल बनाएंगे क्योंकि लिए वो बैक है, बैक से हमें ऐसा नेल दिख रहा है और बाकी सारे उसके अंदर भी हम नेल बनाते हुए जो भी अगर मिरर या फिर फिंगर का पार्ट दिख रहा है उसे इरेज कर देंगे। हैंड और फिंगर के अंदर हम छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ कर देंगे। और अब बात आती है शेडिंग की, तो आप चाहे तो शेडिंग कर सकते हैं अदरवाइज कलर कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर शेडिंग चूज़ करा है। तो शेडिंग के लिए मैंने आईज़ में करी है ग्रे रेड प्लस वाइट कलर की हेल्प से शेडिंग। सो गाइज हम वाइट कलर इसलिए यूज़ करते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में यानी मेरी पहली वाली वीडियो में बता रखा है, बट अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है आप मेरे चैनल पर न्यू है तो कोई बात नहीं मैं भी आपको बता दूंगी। पर और सीक्रेट टिप्स के लिए जल्दी से जाकर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वाइट कलर से क्या होता है हमारा जो कलर है वो ईजिली ब्लेंड हो जाता है और उसका टेक्स्चर उसकी लुकिंग बहुत सुंदर आती है और हमारी ड्राइंग में अलग ही लुकिंग आती है और सब कहते हैं अरे वाह क्या ड्राइंग है। तो अगर आपके पास वाइट कलर नहीं है तो आप कोई भी कॉटन या फिर टिश्यू पेपर या नॉर्मल पेपर या फिर कोई रफ कपड़ा है टिश्यू पेपर हैंकी कुछ भी और उसकी हेल्प से आप ब्लेंड कर सकते हैं। और अब करेंगे हम नोज़ में हमने नोज़ और लिप्स में हमने ग्रे प्लस वाइट कलर की हेल्प से शेडिंग दे दी है तो नोज़ और लिप्स का भी हमारा पार्ट हो गया है और अब आईब्रोज़ का भी हो गया है और थोड़ा सा हमने साइड में इसके फेस में ही कर दिया था ग्रे कलर की हेल्प से शेडिंग और इसकी जो आंसू है उसमें हमने ब्लू कलर की हेल्प से शेडिंग दी है। और अब इसके नील्स पे चलते तो नील्स पे सीधा आपको ब्लैक कलर फिल कर देना है और वाइट कलर की हेल्प से एक लाइन ऐसे कर देनी है ड्रॉ और सारे में हम ऐसे ही कर देंगे। और इसका जो फिंगर और हैंड उसमें हम करेंगे आउटलाइन पे ग्रे कलर और फिर शेडिंग दे देंगे। और अभी जो मिरर का ये वाला पार्ट है उधर हम इस तरह की सेम लाइन करेंगे और इसके अंदर लाइट ग्रे के है कुछ इस तरह से हेयर जैसी लाइन करेंगे, इसको हम ब्लैक कलर की हेल्प से फिल कर देंगे ये वाली लाइन और अब इसमें डार्क ग्रे और वाइट कलर की हेल्प से शेडिंग देंगे। सो गाइज ये हमारा फाइनल लुक। थैंक यू, बाय बाय।